Hey guys, welcome back to my channel. It's a Leo makeover featuring Hela. तो आज का ये लुक मैंने क्रिएट किया है स्पेशली बकरीद के लिए एंड कोई भी फेस्टिव सीजन पे आप ये लुक इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है. मुझे बहुत सारे लाइक्स एंड कॉमेंट्स आए हैं. थैंक यू सो सो मच. तो मेरे इस चैनल पे आपको मेकअप से रिलेटेड एंड ब्लॉग्स बहुत सारे आते रहेंगे. तो नेक्स्ट ब्लॉग मैंने शूट कर लिया है बट मैं अभी नहीं बताने वाली किस लोकेशन का है. तो गाइज प्लीज कॉमेंट इन द ब्लू सेक्शन की वो लोकेशन क्या होने वाला है. लेट्स स्टार्ट विथ माई मेकअप वीडियो. तो सबसे पहले मैंने लिया है सेटिंग स्प्रे ऑफ पैक. Spray all over on your face and let it dry. And my favorite water-based moisturizer, which is of Neutrogena. ये मैं almost ख़त्म कर चुकी हूँ. This is my I think 5th or 6th bottle. इसे आपको अच्छे से अपने पूरे face पे massage कर लेना है. For concealing the eyes, I'm using Eye Magic Concealer with the help of flat brush. I'll be applying on my eyes. तो विद द कंसीलर आपको एक आउटलाइनिंग बना लेनी है अपने आईब्राउज के नीचे सो दैट आप अच्छे से इसको इजी वे में फिल कर सको. तो मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर. तो आपको लेना है डैम ब्यूटी ब्लेंडर. इट शुड बी सेमी वेट. आप पूरे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है. लेट मी टेक आउट माय मिरर. जितने भी एक्स्ट्रा कंसीलर होंगे ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा इस ब्लेंडर में. एंड ज़्यादा अप्लाई करना भी नहीं है कंसीलर, क्योंकि अगर आप फिर आई शेडो अप्लाई करोगे पाउडरी फॉर्म में जो होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा आई मेकअप. तो मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड ब्लेंड करने के बाद जितने भी एक्सेस कंसीलर जो भी थी सब टैप आउट हो जाएगा. कंसीलर है आई मेकअप का उसे सेट कर दूंगी सो दैट जब मैं ब्लेंड करूं अपने आई शेडो को तो वो इजी वे में ब्लेंड हो जाए. अगर आप ये प्रोसेस स्किप करोगे देन आई शेडो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा एंड ब्लेंड नहीं होगा तो आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा. एज सिंपल एज दैट. सो नाउ इट्स ऑल सेट फॉर माय आई मेकअप. मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो आप आई शेडो भी ले सकते हो. मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस कलर का मीन क्रीम कलर का आई शेडो ले सकते हो. आई विल शो यू. सो आप ये आई शेडो ले करके भी अपने पूरे कंसीलर को सेट कर सकते हैं. आज का मेरा अटायर है इन सी ग्रीन कलर. तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं स्पैच करके मैं अपना मेकअप करती हूँ. लेट्स सी क्या फाइनल रिजल्ट आएगा. सो फॉर आई मेकअप आई हैव टेकन दिस ब्यूटी ग्रीन गॉर्जियस आई पैलेट एंड विच मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स हैं तो आज मैं ये. सो गाइस उस ब्यूटी ग्लेज के पैलेट में जो कलर्स थे ऑब्वियसली वो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग थे बट मुझे इस ब्यूटी ग्लेज के कलर बोर्ड में उससे भी ज़्यादा लाइट कलर शेड मुझे मिल गया है. तो मैं एज अ ट्रांजिशन कलर मैं सबसे पहले वो यूज़ कर रही हूँ विच इज दिस कलर. आई शेडो लेने का तरीका इज दैट कि आपको इस तरह से डैप डैप करके लेना है ना कि आपको ऐसी एकदम से स्पून इसमें डिप करके लेना. तो डैप डैप करके लीजिए एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन योर आईज. तो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन के ऊपर ओके, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट कलर होगा मेरे आई कलर में. तो मैं इसको अपने क्रीज लाइन के ऊपर इस तरह से लेफ्ट एंड राइट मोशन करते हुए अप्लाई करूँगी. आपको सर्कुलर मोशन एंड लेफ्ट एंड राइट मोशन करते हुए अपने पूरी ऊपर से लिप पे अप्लाई कर लेना है कलर. आई मेकअप तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन कलर यूज करते हैं एंड धीरे 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 जो भी आपको कलर बिल्ड करना है वो हम करते जाते हैं. एंड एक साथ आपको बहुत सारा कलर अपने ब्रश पे नहीं लेना है क्योंकि
ब्लेंडिंग अगर आप एक साथ ले लेते हो तो वो अच्छे से ब्लेंड तो नहीं होगा, एक स्टार्क कलर रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कलर ले लेके आपको कलर ब्लेंड करना है। आई नो इट्स वेरी लाइट कलर, ये समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे एक एक स्टेप मैं आती जाऊंगी तो, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारा कलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ इसलिए, तो जैसे जैसे कलर लेती जाऊंगी उस तरह से बिल्ड होता है। ओके, तो सेम फ्लफी बिग ब्रश लेना है आपको। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज का गॉर्जियस ग्लेज्ड। एंड अब मैं इसे डार्क शेड लूंगी एंड उसके नीचे अप्लाई करूंगी एट माय कट क्रीज। इट्स वेरी इजी आई मेकअप, ये आज मैं शूट कर रही हूँ फॉर ईदी अदा गाइस। तो आपको लेना है एक स्मॉलर फ्लफी ब्रश एंड मैं इस सेम सेकंड कलर को, एंड ये थोड़ा डार्क है तो मैं इसे मिक्स करके लगाऊंगी अपने आईलेट पे, विच इज दिस। तो गाइस यू कैन सी कि लाइट शेड से डार्क शेड में हम आ गए हैं नीचे की तरफ। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाली, आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल शिमर इन द मिड पोर्शन। ओके, सो आई हैव टेकन मिस क्लेयर शिमर डस्ट इन द शेड 1। आई होप यू कैन सी इट क्लोजली। फॉर अ टाइम बिंग आई एम अप्लाइंग लिप बाम ऑफ TNW हर्बल लिप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपना लिपस्टिक अप्लाई करो तो चैप लिप ना हो एंड ईजी एंड स्मूथ वे में लिपस्टिक लग जाए एंड लुक भी अच्छा। टुडे आई विल बी डूइंग आई मेकअप लिटिल बिट डिफरेंट। तो आज मैं कलर्ड आई लाइनर लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ आई शेडो पैलेट। आई नो इट्स अ पाउडरी फॉर्म, तो मैं इस आई लाइनर कैसे लगाऊंगी आई विल टेल यू लेटर। आपने सेटिंग स्प्रे को इस ब्रश पे अप्लाई करो। ये वेट हो गया एंड आपको जो भी कलर अप्लाई करना है एज आई लाइनर उसको इस तरह से डैप करके अपने ब्रश पे ले लीजिए। यू कैन सी गाइस मैंने आई लाइनर लगा लिया इसे। एंड आप कभी ऐसे कहीं भी जा रहे हैं यू वांट कलरफुल आई लाइनर, तो जरूरी नहीं कि आप हर कलर का आई लाइनर बाय करो। इस ट्रिक से आप कोई भी कलर का आईलाइनर लगा सकते हैं जो भी आपके आई शैडो पैलेट में अवेलेबल है। वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि ये ब्रश एंगुलर फ्लैट ब्रश है आईलाइनर लगाने के लिए। तो गाइस आपका जब भी आप मेकअप कर रहे हैं लग रहा है कि आई मेकअप कहीं गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ा सा कंसीडर लो यहाँ पे गड़बड़ हुई है और डार्क करते हुए लगा के उसको फटाक से सेट कर लो। So I'm done with my eyeliner with this trick. And जब भी आप वाइप कर रहे हो तो do not drag upwards, आपको स्ट्रेट ले जाना है। अगर ये आप कंफर्टेबली हो आप टेप लगा कर भी आई मेकअप कर सकते हो, बट आई एम कम्फर्टेबल इन दिस वन। इतनी इंपॉर्टेंट कि आप री अप्लाई करो अपना मॉइस्चराइजर अपने अंडर आई time for primer, so I'm using Recode Ace of Base Mattifying Primer. As I'm having oily skin, तो मैं matte primer use करूँगी। जहाँ भी आपको apply करना है, dab करते हैं। Color correction, तो discoloration है मुझे and dark under eyes भी है, तो मैं ये Pro Conceal LA Girl का orange corrector ले रही हूँ। तो गाइज आई एम डन विद द कलर करेक्शन, मैंने अच्छे से इसको अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया है, पूरे फेस पे नजर जहाँ भी मुझे। सो इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। सो टुडे आई एम यूजिंग पैक HD लिक्विड फाउंडेशन इन द शेड 2.3। तो ये एग्जैक्ट शेड है मेरी फेस टोन पे। तो आप जब भी फाउंडेशन लेते हो तो आपको एग्जैक्ट शेड लेना है, ना ही एक शेड लाइटर और डार्क। डार्क कर करके ब्लेंडर के थ्रू से पूरे फेस के अच्छे से ब्लेंड करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डार्क करो फाउंडेशन। अगर आप डार्क करोगे तो फाउंडेशन जहाँ भी स्किन का आप डार्क करोगे वहाँ पे हट जाएगा। हमें हटाना नहीं है, हमें इसे अप्लाई करना है स्किन पर। तो आप डार्क करते हुए अपने पूरे फेस पे, नेक को भी आपको छोड़ना नहीं है, नेक के पास, ईयर्स के पास, सो दैट कोई भी डिसकलरेशन कहीं भी ना लगे। तो ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है बिकॉज फाउंडेशन एप्लीकेशन इज योर बेस एंड बेस आप जितनी अच्छे से ब्लेंड आउट एंड अच्छे से फिनिशिंग देते हो मेकअप आपका उतना ही स्मूथ एंड फ्लॉलेस लगेगा।
So for today I'm using for concealing, this is of Instant Age Rewind Eraser from Maybelline, which is 2 shade lighter from my skin tone. So मैंने अपने highest point से लगा लिया है concealer, which is under eyes, nose bridge, forehead, cupid bow and chin. अब इसको अब मैं अच्छे से blend out करूँ. तो गाइज आज मैं आपको क्रीमी ब्लश लगाना बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ लिपस्टिक. दिस इज ऑफ मिस क्लेयर इन द शेड 05. ये बहुत ही अच्छा कलर है फॉर यूज एज ब्लश. आपको ऐसे 4-5 डैप डैप करके लगा लेना है चीक्स पे अपने. ये याद रखिएगा कि अभी तक मैंने कोई भी पाउडरी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है. आई एम जस्ट यूजिंग क्रीमी प्रोडक्ट. कि अगर मैं पाउडरी प्रोडक्ट यूज कर लूंगी फिर मैं क्रीम अप्लाई उसके ऊपर नहीं कर सकती. तो मैं अपने फिंगर से इस तरह से डैप करके देन आई विल यूज ब्लेंडर. आफ्टर दैट आपको ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है. नाउ आई विल बी यूजिंग लूज पाउडर विच इज ऑफ के ब्यूटी इन वाइट शेड. दिस इज एचडी ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर. क्योंकि मेरे आंखों के नीचे क्रीज आ चुका है तो फटाफट अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड आउट कीजिए एंड उसे अब आपको पाउडर से पैक कर देना है. तो मैं अच्छे से अपनी क्रीज लाइन को सेट करती हूँ और फटाक से पफ में लगा चुकी हूँ पाउडर एंड उसे अच्छे से सील कर दूंगी. सो इट्स टाइम टू वाइप आउट माई एक्स्ट्रा पाउडर. तो मैं एक बिग फ्लफी ब्रश ली हूँ और जितना भी एक्सेस पाउडर था वो सब मैं हटा लूंगी. Nose contouring and just creating one line. So for blush I'm using, as you all know, my favorite Eye Magic Touch Blush palette. So shade I'm using this 2. Smile and start applying. आईब्राउज के लिए मैं यूज कर रही हूँ पैक का ब्राउ क्रीम इन द शेड 02. तो आपको आईब्रोज को पहले अच्छे से ब्रश कर लेना है. सबसे पहले आउटलाइन क्रिएट करनी है एंड फिल कर दीजिए. फॉर काजल आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस. ये कलर आपको लेना है एंड इससे आपको अपने काजल के साथ मैच कर लेना है. मैंने अपना आईलाइनर लगाया था विच इज दिस डार्क नेवी ब्लू कलर. इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर में मैच कर दूंगी. तो मैंने ले लिया है आईलैश. ये मैंने मेजरमेंट करके देख लिया है तो ये मेरे आईज के लिए परफेक्ट है. अगर आपको लगता है कि मेजरमेंट करने के बाद ये बड़ा है तो आपको इसे अपने आउटर कॉर्नर से कट करना है ना कि इनर कॉर्नर. ग्लू, ये ग्लू है मिस क्लेयर का इन द ब्लैक शेड एंड ये जब 60-70% ड्राई हो जाएगा तब मैं इसे अपने आईज पे लगा लूँगी. तो जब तक हमारा ग्लू ड्राई हो रहा है तब तक मैं अपने ओरिजिनल लैशेज को कर्ल कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ कर्लर. प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप मिरर लीजिए, नीचे की तरफ देखिए एंड मिड पोर्शन में आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं लगाना. आपको थोड़ा सा छोड़ देना है जगह इनर कॉर्नर का एंड मिड पोर्शन में पेस्ट कीजिए एंड देन आउटर एंड देन इनर. सो आई एम डन विथ माई आई मेकअप. नाउ आई विल बी अप्लाइंग हाइलाइटर विच इज ऑफ पैक इन द शेड इज Girl Got a Spray 05.
So with the help of fan brush, I'm applying on my highest point, that is cheeks. And थोड़ा सा मैं mid portion of the forehead पे लगाऊंगी. किस पोर्शन पे लगाना है अपने फेस पे. बट अगर आपको पिंपल्स हैं एंड आपको हाईलाइट नहीं करना है बट ऑब्वियसली, तो आप वहाँ पे हाईलाइटर नहीं अप्लाई करोगे अगर आपको चीक्स पे है, क्योंकि वो जितने भी बम्प्स हैं वो और उठ के दिखेंगे ड्यू टू हाईलाइटर. अप्लाई इट ऑन योर नोज ब्रिज, चीक्स, फोरहेड, नोज टिप, क्यूपिड बो, चिन, इनर कॉर्नर ऑफ द आईज एंड द ब्राउ बोन. I'm using this dark orange shade, Maybelline Superstay in the shade 65 Seductress. So guys, last but not least, I'm going to set my all makeup with the Pack setting spray. और इसे आपको dry होने देना है. तो गाइज, आप इस लुक को बहुत ही ईजी वे में क्रिएट कर सकते हो. जस्ट फॉलो माई स्टेप्स एंड आप प्लीज ये लुक क्रिएट करो एंड सेंड मी योर पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी विच आई विल बी गिविंग ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तो अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.